धनबाद के ऐतिहासिक झरिया कोलांचल में आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें बसी हैं। आखिर झरिया से बापू को क्यों था विशेष लगाव, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है देश की कोयला राजधानी धनबाद का ऐतिहासिक शहर झरिया, जहां के जर्रे जर्रे में मुकम्मल इतिहास छिपा है। साबरमती से हजारों किलोमीटर दूर झरिया के प्रसिद्ध कोयला उद्योगपति रामजस अग्रवाला की हवेली में बापू की सुनहरी यादें बसी हुई है। इस महल की दरकती दीवार और बिखरते मेहराब के बीच आलिशान भवन में 1922 से 1934 के बीच बापू तीन बार आ चुके। वो इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। ये कुर्सी अब चेन्नई के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पास जा रही है। आज इस हेरिटेज को संभालने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। अब तो वो एकदम नेग्लेक्टेड है। जैसा आपने सवाल उठाया कि इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, तो पता नहीं क्यों कहां पर ये अटक गई है बात। किसी ने प्रयास नहीं किया। उनके उत्तराधिकारी लोग जो हैं, उनका तो एक पौत्र है, अपरपौत्र है और बेटियों के की संतान है, कोई इसके लिए बहुत सचेष्ट नहीं है कि इसको सरकार ले ले। गांधी जी का जब जब बिहार दौरा होता था, हो सकता है झरिया के प्रति उनका कुछ विशेष लगाव हो गया हो, या झरिया उस समय बहुत इमर्ज कर रहा था एज ए शहर, क्योंकि कोयला उसका कोयला द्वितीय विश्व युद्ध में भी लग रहा था। झरिया का तिलक भवन 4 नंबर और हवेली का गद्दी कार्यालय आज भी बापू और उनके समकालीन नेताओं की कहानी कहता आ रहा है। लेकिन भूमिगत आग प्रभावित झरिया जब खुद नहीं बचेगा तो भला बापू की धरोहर कैसे बचेगी। अपनी कुर्सी की चिंता में डूबे नेताओं को बापू की कुर्सी की कोई कदर नहीं। पूरी भीड़ के साथ गांधी जी जब आए थे गया अधिवेशन के लिए, और उन्होंने यहाँ पर गया अधिवेशन के लिए जो आर्थिक सहायता की, मतलब जो पेशकश रखी, तो मतलब उनको उनके आशा से भी अधिक वो सफलता उन्हें प्राप्त हुई। झरिया शुरू से स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ आए हैं और ये ऐतिहासिक शहर रहा है। बहरहाल धनबाद और झरिया से बापू का पुराना नाता रहा है, लेकिन जरूरत है इन यादों को सहेजने की, ताकि युवा पीढ़ी को भी अपने अतीत की जानकारी रहे। अभिषेक कुमार, ईटीवी न्यूज़।